वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। अवार्ड के बारे में एकता मंच को छोड़ा है, वो मेरे फाउंडेशन भी बुलाया है सपोर्ट शो के साथ, थोड़ा सा बताइए सर कितना कितना प्राउड फील कर रहे हैं सपोर्ट। नहीं, जैसे आज भूख मिरर फाउंडेशन ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है, ये सचमुच एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का प्रोत्साहन किया है जो उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीकों से इस कोविड की कठिनाई की घड़ी में काम किया है। और अच्छा लगता है जब किसी अच्छे काम की सराहना होती है, तो सचमुच होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सर, एकता मंच का नाम किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि एकता मंच की अहमियत बढ़ जाती है या उस संस्था के वजह से एकता मंच की अहमियत बढ़ती है। एकता मंच अपने आप में अपना छोटा कार्य करते रहता है। सर, आपका कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में? गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड है, तो एकता मंच भी जुड़ा है, वो मेरे फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। हम जब बचपन में पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। सभी लोग जो इस देश में हैं, हम भाई और बहन के नाते से जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक चीज ऐसी है, हमारे में से कोई भी अच्छा काम करता है, किसी अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छा काम करता है, तो सराहनीय निश्चित रूप से है, और जिससे कहीं ना कहीं दूसरे ने प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता मंच बहुत बड़ा काम करता है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको प्रेस करना ही चाहिए। समाज के सामने हम अगर ऐसा आदर्श रखते हैं कि जिसके कारण बहुत से लोग मोटिवेट हो सके, अच्छे काम के लिए प्रेरित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ना कोई तो भी दूसरे कारण से हमने ये कार्यक्रम लिया है। ये कार्यक्रम प्रेजेबल है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है, और उसके कारण बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। सर, इसके अलावा जैसे सर से मैंने पूछा था कि एकता मंच का नाम किसी भी अवार्ड के साथ जुड़ता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ जाती है, तो एकता मंच ने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, जैसे वैक्सीन दी लोगों को, अनाज भी बांटा और बहुत सारी चीजें की, तो सर उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो आपको लगता है कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करते हैं? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो एकता मंच के बारे में बताया, इस देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनमें ये सम्मिलित है। अच्छे लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के काम में, दूसरे के दर्द में अगर सम्मिलित होते हैं तो इसके जैसा अच्छा काम कोई नहीं सकता। इट विल बी प्रेज नॉट ओनली बाय पीपल बट ऑल्सो बाय दैट ऑलमाइटी गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उस ऑलमाइटी गॉड के नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई उसे राम कहेगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, महावीर, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर विच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ अवर लाइफ। तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बच्चा जिसे हमने इस दुनिया में भेजा वो अच्छा काम कर रहा है। तो एकता मंच ने एक काम किया, अच्छा काम किया। कोविड में वो लोग परेशान थे, कैसा जीना ही मालूम नहीं था, उस वक्त इतना अच्छा काम किया। इट इज ऑलवेज 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 सराहनीय। See, first, the work that Mumbai police has been doing is really, really praiseworthy. It is not only that they have kept the law and order situation under control, but whenever there is any calamity, who comes in the forefront is the Mumbai police. And these citizens are totally indebted to Mumbai police for the selfless devotion and contribution towards the society. As a Mumbai policeman, I am proud that my force has done a very big role, very good work. मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि मेरी फोर्स ने बहुत अच्छा काम किया। सबसे अच्छा काम तब हुआ जब कोविड का पहला फेज चालू था, और उस वक्त
बहुत से माइग्रेंट लेबर्स एंड एवरीबडी दे वर सो स्केयर्ड, उन्हें इतना ऐसा लग रहा था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन और हम हमारे माता पिता या हमारे परिजनों से मिल सकते या नहीं। उस वक्त उनकी जो व्यवस्था हुई है, बहुत सी अच्छे अच्छे संस्थाओं ने तो उनको मदद की है, लेकिन उनको जो जब गांव भेजना था उस वक्त जो सुविधाएं उपलब्ध की गई वो बहुत अच्छी थी और बहुत अभिमान और अच्छा भी लगता है कि हम कहीं हमारे ही भाइयों और बहनों के काम में आए। थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है पण नक्की हे सांगू शकतो की ज्यांनी ज्यांनी केलं तो भारताचा नागरिक होता आणि ज्यांनी चांगलं काम केलं आहे त्या कामाची निश्चितपणे कुठे ना कुठेतरी त्याची नोंद होते। नेहमी लक्षात ठेवायचं की मी जे काही काम करणार आहे ते काम कोणीतरी बघणारी शक्ती आहे। एज यू सो सोशल यू रीप, आप जो बोने वाले हो वही निकलने वाला है। डू द गुड वर्क एंड हैव द हार्वेस्ट ऑफ गुड थिंग्स, दैट इज बेसिक। नाही, मी या प्रश्नावर उगाच भाष्य करणार नाही। मला एवढं माहित आहे प्रत्येकाने आपापल्या परीने जेवढं काही शक्य होतं तेवढं काम केलेलं आहे। हर आदमी ने जहां तक उसे पॉसिबल था हमारी और खुद की ह्यूमैनिटी दिखाई और बहुत लोगों को मदद की है। आई एम प्राउड दैट आई एम अ पुलिसमैन, आई एम अ ह्यूमन बींग, आई एम अ इंडियन। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी कि होप मिरर फाउंडेशन, इनका नाम ही होप है और मिरर आईना, अपने आप को देखना और अपने आप को परखना कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट वी आर स्पिरिचुअल सोल्स गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इतने खूबसूरती से इन्होंने एकता मंच के साथ ये कार्यक्रम किया है, तो मैं ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी टू रमज़ान शेख जी। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द स्पेक्टैकुलर अवार्ड्स और इतना धमाकेदार अवार्ड, यू नो आफ्टर द 20 मंथ्स जो करोना पीरियड था। सो आई थिंक बहुत बहुत स्पेशल है, स्पेशली बिकॉज ये उन रियल हीरोज़ के लिए हैं जो इतना खूबसूरत फिलैंथ्रोफिक काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ अपनी ज़िंदगी भी दे देते हैं। तो मैं ढेर सारा बधाई देना चाहूँगी आपको रमज़ान। यू आर यंग एंड आप इतना इंस्पायर करते हैं हम सबको, एंड आई मस्ट से दैट यू इंस्पायर ऑल द 3 जनरेशन। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द अवॉर्डीज एंड टू आर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आपको देखकर जान में जान आ जाती है। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि एंड अ हैप्पी दशहरा इन एडवांस टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव टू यू। फंक्शन अच्छे से हुआ, मैं आप सबका आभारी मानता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। सिमरन जी भी आए, मैंने पूरा शो को पूरा अच्छे से हैंडल करा और ये शो के लिए मुझे एकता मंच के अपने अजय कौल सर हुए, प्रशांत सर ने बहुत सपोर्ट किया, उनसे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब ना पहचान होते उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज ने जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, ट्रॉफी सॉन्ग समथिंग एंड ऑल, तो सबका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सबका साथ मिलकर ये शो एकदम अच्छा बन पाया और जो लोगों को मुझे मेरा जो मोटिव था एक मतलब मुझे लोगों को मोटिवेट करना है या फिर उनको एक सेलिब्रिटी उनको फैसिलेट करके उनको एक आगे होप देना आगे और काम करने के लिए, तो सक्सेस हुआ इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। शैलेश जी पुष्कर जी, जब सेकंड लॉकडाउन आया था तो मुझे उनका एक कॉल आया कि यहाँ पे हमारे बॉम्बे में भी राशन की बांटने की ज़रूरत है, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनको मैंने यहाँ पे राशन बांटना स्टार्ट किया। तब से वो लोग दोनों मेरे से जुड़े हैं, तो हम काम करते जा रहे। पुष्कर भाई ने बहुत सपोर्ट किया, शैलेश भाई तो एक बहुत सपोर्ट सिस्टम जैसा है मेरा शो, उन्हें मेरा अकेले दम पे मतलब बोल सकते हैं। पुष्कर भाई ने भी सपोर्ट किया बट शैलेश भाई ने पूरा जान लगा दिया अपने शो को एडिट करने में, तो उनका एक मेरे बड़े भाई की तरह है दोनों भी। शैलेश भाई को और पुष्कर को थैंक बोलना चाहूँगा कि उन्होंने शो को पूरा हिट कर दिया पूरा, मतलब थैंक यू। सिमरन मैम तो ऐसे ना मतलब कि आप वो अगर शो में रहते हैं ना शो की तरह मतलब डगर क्या बोलते उसको यार, वर्ड नहीं आ रहा, मतलब शो अगर कुछ 19-20 होता है ना बोलने के बाद तो पूरा हैंडल कर रहे थे, पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने सर सेव कर लिया शो, तो अच्छा वो थे क्योंकि बीच में बहुत सारे आए थोड़ा सा तो उन्होंने हैंडल कर लिया अच्छे से, तो मैम थैंक यू सिमरन मैम। हम लोग ऑनर्ड है कि होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच ने हमें उस लायक और उस काबिल समझा और हमें इस अवार्ड से प्रेस्टीजियस अवार्ड से हमें ये किया, फेलिसिटेट किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच की। और ये हमारे लिए एक मोटिवेशनल अवार्ड है
इसे पाके हम और मोटिवेट होंगे ताकि फ्यूचर में भी हम अच्छे ऐसे काम करते रहे जिससे और हम रिकग्निशन मिले और लोगों तक पहुँचे और एक अच्छा काम करने का हमें एक डिटर्मिनेशन मिलेगा। पहले तो सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ होप मिरर फाउंडेशन को, जिन्होंने हमारे काम को रिकग्नाइज़ किया एंड अप्रिशिएट किया, एंड देन वी हैव बीन ऑनर्ड विद सच अ लवली ट्रॉफी। आई वुड लाइक टू थैंक देम फर्स्ट, एंड देन सेकेंडली वुड लाइक टू थैंक एकता मंच, दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस अवार्ड। एंड बहुत अच्छा लग रहा है और बेहतर काम करने का और ज़्यादा काम करने का भी मौका मिलेगा, तो हम बहुत खुश हैं ये अवार्ड से। थैंक यू सो मच। आप पहली बात आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे होप ह्यूमैनिटी अवार्ड मिला है और ये इसलिए मिला है क्योंकि कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, लोगों की मदद करी है, और जो होप मिलर के फाउंडेशन है रमज़ान शेख, हमने उनके साथ काम किया है, ट्री प्लांटेशन किया था, छतरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, और पुलिस वगैरह उनको हमने समोसा और पानी भी दिया था। वो न्यू बॉम्बे में रहते हैं, मुझे शैलेश जी का फ़ोन आया कि वो वहाँ पे रहते हैं, आप काम करोगे, तो मैंने बोला क्यों नहीं, मतलब ये एक इंसानी मेरा धर्म है, कोई भी फाउंडेशन होएगी मैं उनके लिए काम करूँगी। तो फिर तभी हमारी पहचान हुई होप मिरर फाउंडेशन के रमज़ान शेख से, और मुझे आज बहुत खुशी होती है कि जो हमने मेहनत करी है वो आज रंग लाई है। जब हमें अवार्ड से नवाजा जाता है तो हमें और भी खुशी मिलती है और आगे और काम करने को मौका मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम जुमाना है और मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की मुंबई प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे एज अ मुंबई प्रेसिडेंट मुझे अवार्ड दिया गया। मैं डॉक्टर कैरन टेरी रजा लाइफ एंड फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हूँ, तो आई वुड जस्ट से द अवार्ड्स जो रखते हैं टू इट इज़ लाइक एन एनकरेजमेंट टू मैनी पीपल, सो बहुत सारे जन और काम करते जाएंगे, अच्छे काम करते जाएंगे। इट इज़ वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू हेल्प पीपल। You start with something small, but keep helping people in whatever way you can. Yeah, my name is Nita Desai. I am co-founder of the Life and Foundations, and I hope Mirror Foundation and Ekta Manch ne jo humein award diya hai, uske liye hum dehe dil se unka shukr guzar karte hain, aur aage bhi hum unke saath acche kaam karne mein judna chahenge. Main do shabd kehna chahungi, jab main apne liye karta hu to wo mere saath chala jata hai, जब मैं सबके लिए करता हूँ वो मेरी एक विरासत बन जाती है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप दूसरों की भी सेवा करिए, अपने लिए तो सभी करते हैं पर दूसरों के लिए भी आगे बढ़िए और उनकी सेवा करिए। शैलेश जी, पुष्कर जी के लिए क्या कहना चाहिए, राकेश जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? शैलेश जी तो मेरे भाई जैसे हैं, आज हम जो भी हैं उनकी वजह से, आप सब लोगों की मीडिया की वजह से, आप लोग हमको मौका देते हो और आप हमको आगे बढ़ा के लेते हो अपना, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। शैलेश जी का तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ, पुष्कर जी का भी, और जितने भी मीडिया भाई बहन हैं मेरे, मुझे उनका नाम नहीं पता है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कोविड की बात की, जो लाइफ है वो एक नए तरह की लाइफ है। कोविड से पहले की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी, वो रेगुलर थी और सुपर फास्ट थी, लेकिन कोविड के बाद की जो लाइफ चल रही है उसमें रफ्तार आनी शुरू हुई है, मोमेंटम आना शुरू हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है, इट्स ए सेलिब्रेशन कि वो फिर जो मोमेंटम है, रफ्तार है ज़माने की, हालांकि सोच जो है वो बहुत तेज़ है लेकिन जो कदम है थोड़े से स्लो हैं। लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं ये एक प्लेट्यू हैं जहाँ पर आके कलाकार, क्रिएटिव जो भी डिज़र्व करते हैं उनको एक बहुत अच्छा लगता है और दोबारा से रीजुविनेशन होती है, इंसान अपने आप को रीजुविनेट करता है, दोबारा से बनाता है और फिर कहता है कि अब अगर बच गया हूँ मैं, क्योंकि कोविड में टनों के हिसाब से आत्माएं और शरीर गए हैं, लेकिन कोविड के बाद का जो हिसाब किताब है, अगर हम बच गए हैं तो आगे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर मेरा संदेश यह है कि एक दिन में अगर एक भलाई का काम कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा, चाहे वो म्यूज़िक के बहाने में है, चाहे वो एक्टिंग के बहाने में है, हमारी तो 3-4 फील्ड्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्रेस्टीज अवार्ड जो है वो उसका वितरण हुआ है, लोगों को मिला है जो डिज़र्विंग लोग हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग। और मैं
आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर पुष्कर जिन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और इससे हमको अवार्ड मिला. इट्स आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल. हाँ जी, मैं काफ़ी अच्छा लगा कि इस ऐसे बड़े शो में मैं पार्ट ले रहा हूँ. थैंक्स टू अरुण बख्शी जी जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई. सो आई थैंक यू सर. इनके पास शब्द कम है लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है. लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वंडरफुल टैलेंट. इनका नाम दिनेश रहाते हैं. ये मेरे साथ जो मैं संगीत बनाता हूँ उसमें वो अरेंज करते हैं संगीत को और बहुत बाखूबी करते हैं. और मेरी गुड विशेज़ हैं. जैसे कि मैंने कहा ना, कोविड के बाद का और कोविड के पहले की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी. अब मुझे जब भी नई टैलेंट मिलती है, मेरे कांटेक्ट में आती है, मैं उनको चांसेस देता हूँ. एंड दिनेश रहाते इस अनदर वंडरफुल टैलेंट और ये हमारे साथ एसोसिएटेड है. एंड ही इज़ रियली वेरी गुड, वेरी नाइस. आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट. होप मिरर फाउंडेशन को मैं यही कहूँगा कि जो अवार्ड आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे कार्य के लिए दिया, मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को मिला है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया उनको मिला है. और दिल से कहता हूँ कि पूरी जो टीम है होप मिरर की, मैं एक एक लोगों से मिला हूँ, इन लोगों ने दिल से बहुत अच्छा काम किया है. और जब मैंने एवी पर देखा इनका कार्य तो मैं और इनका मैं कायल हो गया, भक्त हो गया. मैं ऐसे काम करते रहूँ क्योंकि ऐसी ज़रूरत हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं. और मेरी ब्लेसिंग, अगर मैं किसी जरिए मैं आप लोगों से जुड़ सकूँ तो मुझे जोड़ी रखिए आप लोग. मैं आप लोगों के साथ हूँ. और बिंदास मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होप मिरर एक ऐसा मिरर है जो समाज को आईना दिखाता है. यानी कि समाज के सारे कार्यकर्ता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस यही. और आपका कोई सवाल है तो बैठ लेकर पूछ सकते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल, देख रहा हूँ मैं. थोड़ा थोड़ा जब मौका मिलता थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ. मैं पूरा नहीं देखा लेकिन हाँ पूछ सकते हैं आप. मैं एक्चुअली अभी तक तो लोगों का गेम समझ में नहीं आया, क्योंकि गेम जब तक समझ में नहीं आया कौन बेटर है. अभी तक मुझे सारे बेटर लग रहे हैं बिग बॉस में. कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेटर है या ये बेटर है. ये तो दो तीन हफ्ते के बाद पता चलता कि अभी इसने अपना मेन कार्यक्रम निकाला है. लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल प्रशांत बड़ा हिट चल रहा है लोगों के बीच में. तो देखते आगे क्या करते हैं वो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आदमी प्रतीक और प्रशांत दोनों यार प्रतीक ही प्रशांत बिल्कुल. हाँ प्रतीक की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दरवाज़ा तोड़ा था. दया के बाद दूसरा दया आ गया. हाँ मतलब दरवाज़ा तोड़ने में दया के पेट पर लात मार दी प्रतीक ने. हाँ नेक्स्ट आईडी प्रतीक करेगा 100%. होप मिरर फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है टू ऑनर पीपल फ्रॉम डिफरेंट जोन डिफरेंट प्लेस, इट्स अ वेरी ग्रेट एक्शन. मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इस अवार्ड को. और वर्सोवा में रह के वर्सोवा CWC स्कूल में मुझे ये अवार्ड मिलना, इट्स अ ग्रेट ऑनर. लोग अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग अचीवमेंट करते हैं, पर जब आप अपनी मिट्टी में रहकर अपनी ज़मीन पर कुछ कमाते हैं या कुछ पाते हैं तो उससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता. आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दी अवार्डीज एंड एवरी वन हु हैज वन दिस. थैंक यू वेरी मच. आना पहले इवेंट में ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका, क्योंकि इन्होंने रियल में वर्क किया है और हम जैसे लोगों को इन्होंने बुला के सम्मानित किया है. कहीं ना कहीं इन्होंने सामाजिक एक्टिविटीयों को नोट किया हुआ है और ये फाउंडेशन बहुत आगे और भी काम करेगा सोशल वर्क के लिए और भी लोगों को प्रोत्साहित करेगा इस अवार्ड के ज़रिए. और मुझे बहुत खुशी हो रही है. मैं पुनीत कुमार वोरा वेद वर्ल्ड कंपनी से बिलोंग करता हूँ और मैं भी बहुत सारे फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ. और हमारा फाउंडेशन है लॉस्ट एंड फाउंड फाउंडेशन. हम भी चाइल्ड प्रिविलेज के लिए बहुत सारा कुछ काम करते हैं, अनप्रिविलेज चाइल्ड के लिए काम करते हैं. और
बस ये जो झमेला एकत्रित हुआ है ये नए भारत को कहीं और अलग लेवल पे लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में ऊपर वाला माता रानी सबको कामयाबी दे। बहुत खुशी हुई, बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, धन्यवाद, थैंक यू। कुछ नहीं, ये गोल्डन फेस्टिस अवार्ड इनको मैं तय दिन से मैं थैंक यू बोलूँगा कि मेरे काम करने का, समाज की सेवा करने का, और इन्होंने मुझे होप मिरर फाउंडेशन ने जो एक मुझे बुला के सम्मानित किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल वर्कर कोविड के काल में, बाकी ऐसा हर तरीके से जिसको जो मेरे तरफ से मदद हो चुका मिले, वो मेरे टीम और मैंने हर किसी को कोविड के बाद से जितने भी मतलब हॉस्पिटल की मदद या खाने से लेके राशन की मदद सब भी की, और उन्होंने ये सब काम देखते हुए ये होप मिरर फाउंडेशन के फाउंडर रमजान शेख और उनकी टीम ने मुझे आमंत्रित करके मुझे पुरस्कार दिया, उसके बदल थैंक यू सो मच। को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी और बढ़ा देती है हमको, एक बहुत मतलब एक अंदर से एक इतनी मतलब एक ऐसा लगता है कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं और कुछ करना बाकी है, और अवार्ड इसी चीज़ का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है कि हमको और कुछ करना है, ये कुछ भी नहीं है, और ऐसे अवार्ड और मिले ताकि ये हमको हमेशा मुझे इंस्पायर करे और ज़्यादा अच्छा काम करने को। नहीं मैं नहीं देख पा रहा हूँ, नहीं मैं बिग बॉस का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। एक कलाकार को मंच मिलना ही मतलब बहुत सौभाग्य होता है, कलाकार को अपनी कला पेश करना और फिर उसको सराह के कोई अगर अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि होप मिरर ने मुझे ये मौका दिया। अवार्ड मिलने पे एक ये खुशी होती है कि हाँ हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्या क्या बताना? मैं पिछले 30 सालों से मेरी माँ की याद में 1991 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो तब से एक शाम माँ की याद में ये प्रोग्राम करती हूँ हर साल, और गाती हूँ उसमें सब जो पुराने लता जी के गाने हैं, उसके अलावा मैं प्लेबैक गाती रहती हूँ, छोटा छोटा जिंगल्स वगैरह मैंने काफ़ी गाया है और अभी आगे वही चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम अंजलि जंगम है, आई एम ए सोशल एक्टिविस्ट प्लस आई हैव माई ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई एम ए एजुकेशनिस्ट ऑल्सो एन एंटरप्रेनर। सो थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये अवार्ड लेके, और सभी बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी यहाँ पे आए हैं और उनके हाथ से मैं अवार्ड ले रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड होप मिरर फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, डेफिनेटली मेरा भी एक फाउंडेशन है तो इससे एक प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, सो एज ए सोशल एक्टिविस्ट। सो मुझे ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली ऐसा कुछ नया हम लोग भी एक इवेंट रख सकते हैं, इतना मुझे अच्छा लगा, और सभी सेलिब्रिटी के साथ भी फ़ोटो लिया, तो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग एंड ऑनरिंग मी। थैंक यू सो मच, रमजान जी ने मुझे इन्विटेशन दिया, पटेल जी ने, और वाकई में इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो सीखने की जैसे से हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है। और मेरा नाम सुनीता तोमर है, मैं पुरोगामी पत्रकार संघ की प्रेसिडेंट हूँ, शिव धर्म न्यूज़पेपर की मैं प्रेसिडेंट हूँ और सोशल वर्कर हूँ, मैं भी बहुत काम करती हूँ, और आज मैंने रमजान जी को देखा तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स होप मिरर फाउंडेशन, आई वुड लाइक टू थैंक्स एकता मंच जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हर फील्ड के लोगों को जिनको कहीं आज तक पहचान नहीं मिली है उन्हें पहचान देने के लिए ये अवार्ड दिया है, तो इट्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है उनका, और हम भी बहुत थैंकफुल हैं उनके कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम ये अवार्ड ले सकें। सो थैंक्स टू ऑल एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द अवार्डीज। मिरर फाउंडेशन को मेरी तरफ से थैंक यू कि हमें इतना अच्छा अवार्ड मिला, इतना बड़ा मौका मिला यहाँ आने का, और रमजान शेख सर को भी थैंक यू और पटेल सर को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं। है मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे काम को सराहा और हमें ये ऑनर किया,
और आज जो उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि यहाँ पे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्हें ऑनर किया है गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड से. कीप डूइंग द अमेजिंग वर्क एंड कीप वर्किंग टुगेदर. जितने हाथ जुड़कर काम करेंगे उतना अच्छा होते रहेगा. और साथ ही साथ आप सभी मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें एक मंच पर पहुँचाते हैं. दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. वेल आई एम थैंकफुल टू होप फाउंडेशन टू इन्वाइट मी ओवर हियर एंड रियली इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर. And very honestly, I was not aware that Hope Foundation is doing so much of social cause and working for so many different subjects and all. And I'm really, when I saw the video today, it was amazing. And I was knowing about it, but now I'm more happy and I would like to support them in much bigger way to the way the cause what they're working for. सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज इतना बड़ा स्टेप लेना और यू नो जैसे होप कहते हैं उम्मीद कहते हैं तो यू नो किसी लाचार को उम्मीद देना तो ये बहुत बड़ी बात है. तो मैं उनको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो. सो या गुड लक. Upcoming projects are there, three music videos are there which are up to release and web series are there which are going on floor. So fingers crossed, jaldi aayenge. मेरा नाम एडवर्ड परेरा है और मेरा संस्था का नाम है रियो होप संस्था. हम लोग सोशल सर्विस से जुड़े हुए हैं. एजुकेशन फॉर ऑफिन एंड स्ट्रीट किड्स. और ये लोग भी बहुत अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं. होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच भी बहुत अच्छा काम किए कोविड के दौरान. हमारा 24 अक्टूबर को एक शो है मदर टेरेसा अवार्ड्स. ये मदर टेरेसा का नाम इसलिए डाला गया है क्योंकि जो रियल सोशल सर्विस एक्टिविस्ट है हम लोग शॉर्ट लिस्ट किए हुए जो अच्छा काम किए हुए कोविड के टाइम में कोविड के पहले से वो अवार्ड्स है. और उसी दिन मिस रियो होप 2021 एक ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइज किए हुए. मुझे यही कहना चाहूँगी कि होप मिरर फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है और आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट और भी अच्छा काम करते रहें. पहले तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बबीता ओभान फ्रॉम बबीताज डिज़ाइनर वेयर. थैंक यू सो मच आज यहाँ पे इतना ऑनर देने के लिए. अच्छा लग रहा है कि काम को अप्रिशिएट किया आप लोगों ने यहाँ बुलाकर अवार्ड दिया. थैंक यू वंस अगेन एंड गोल्डन प्रेस्टीजियस अवार्ड. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द होप फाउंडेशन होप मिरर फाउंडेशन व्हाट दे आर वर्किंग फॉर द ह्यूमैनिटी दैट इज़ अमेजिंग. And they have invited me as a chief guest to be part of this event today, which has given me a lot of motivation and inspired how they are working. And I would like to be part of them because they are doing amazing work, which I saw the video clip, which I did not know much about it. But since I have seen that video clip, that has given me the inspiration that how lovely and how nice Hope Foundation, Hope Mirror Foundation and Sailesh Patel and his team are working on it. So I think this is an amazing, amazing work where we can work together. And in this pandemic, in this challenging time, how we can help and support each other. And I saw that Ramzan Bhai was also there and he was also a part of this organization. Amazing work he has been doing. I don't have any more words to say, but it was an amazing time which I have enjoyed it today. I am also an independent academic scholar, international motivational speaker, writer, author, and I'm a philanthropist and humanitarian. So I am also involved in a lot of humanitarian work which Hope Mirror Foundation are doing. So I'm looking forward for Hope Mirror Foundation to collaborate with me and we can work and help the society at large. Thank you.